मोदी खुद की थाली छोड़ के उधर किसी की थाली झड़ रहा है वहाँ पे। ये कुलावा के इधर यहाँ पे शॉपिंग के लिए आप आ सकते हो, काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे आपको मिलेगी। तो अभी टिकट ले रहे हम लोग CST की, CST रिटर्न टिकट यहाँ से ले रहा ज़्यादा कंपलसरी है क्योंकि ज़्यादा चेकिंग हो रही है आजकल, पकड़ेंगे तो जितने का शॉपिंग नहीं गए उससे ज़्यादा भरना पड़ेगा। CST चर्च गेट से निकलते ही जो अंडरग्राउंड है वहाँ पे आपको ये सब देखने मिलेगा, काफ़ी सस्ता लग रहा है। यहाँ पे सामने है FS फैशन स्ट्रीट जहाँ पे काफ़ी सस्ते कपड़े मिलते, जूते, ट्रैक टी शर्ट, शर्ट, पैंट, हर तरह के कपड़े मिलते, काफ़ी ज़्यादा सस्ते मिलते हैं यहाँ पे। सिर्फ बार्गेनिंग करने आना चाहिए, अगर बार्गेनिंग नहीं कर पाओगे तो प्रॉब्लम में आ जाओगे क्योंकि वो रेट बोलने के लिए 1,500-2,000 ऐसा बोलते हैं, देने का भाव 200-250-300 यही रहता है। आपको बार्गेनिंग करना आना चाहिए अगर मुंबई में आते हो शॉपिंग करने FS, तो बार्गेनिंग का पावर हाथ में रखना ज़रूरी है, अगर नहीं रख पाए तो आप बर्बाद हो जाओगे, लूट जाओगे। ये फैशन स्ट्रीट जो कि सारे सस्ते में मिलेंगे कपड़े यहाँ पे, तो आप आके यहाँ पे चेक कर सकते हो। यहाँ से लेके आगे तक है ये बोर्ड है और यहाँ से पूरा आगे तक है, आगे से फिर राइट में भी है, काफ़ी बड़ा फैशन स्ट्रीट है। बार्गेनिंग करना आना चाहिए जैसे मैंने बताया, बार्गेनिंग करोगे तो सस्ते में कपड़े मिलेंगे, नहीं तो बर्बाद हो जाओगे। अभी जा रहे हैं उस साइड कुछ खाने की आइटम्स है काफ़ी सारी, तो पहले खाएंगे पियेंगे उसके बाद फिर से घूमेंगे। और यहाँ पे देखो ये है इंडिया का फ्यूचर, आने वाले इंडिया का फ्यूचर है यहाँ पे, यहाँ से हर एक टैलेंट निकल के आते हैं, सचिन तेंदुलकर, रोहित शर्मा जो कि इंडिया के, अजिंक्य रहाणे, उसी के देखा जी था भी क्या बहुत ज़्यादा खाना खाने का ना अगर ऐसे कहीं जगह पे आओगे ना तो ज़्यादा क्राउड मत लेके आओ, नहीं तो ये इसके जैसे हर एक के ग्रुप में रहेंगे हरामखोर जो टीम को मतलब साथ में जितने आए सबको तोड़ता है, तोड़ के चल रहा है। मेरे साथ चार जाएंगे, इधर दो जाएंगे उधर दो, उसी के चक्कर में काफ़ी ज़्यादा टाइम वेस्ट हो गया। इसकी ये मोदी चाय वाला बोले चाय का ब्रांड लेके चलूँगा, चाय पैर चप्पल पे गिरा के रखेला उसने। हाँ तो भाई वो बैटर नल्ले बैटमैन। यहाँ से जस्ट निकलने के बाद यहाँ पे पूरी की पूरी खाऊ गलिए जो चाहिए वो मिलेगा यहाँ पे, काफ़ी सस्ता भी है, बहुत ज़्यादा भीड़ होती है यहाँ पे, मुश्किल से अगर टेबल मिला तो सही है। पे सीटिंग अरेंजमेंट में काफ़ी ज़्यादा ऊपर भी रखे हैं काफ़ी सारी चेयर, अगर पब्लिक ज़्यादा हो गई तो ऊपर चेयर पर शॉक नीचे आता है और बैठने के लिए सब वाह भाई ये है क्या इनकी शक्ल देख लो। भाई सर थम्सअप तुम्हारी तरफ से, जगह नहीं थी तो ऊपर से चेयर निकल के जगह बना के देंगे अभी। ये शॉप और ये शॉप दोनों एक ही है, ये भाई की है। भाई तुम्हारे तरफ से ठंडा है भाई, ठंडा ना उनके तरफ से ठंडा है, उन्होंने बुलाया हम लोग को। चटनी देखते पैंट भी गिर रही है। ये 100 रुपये की चिकन थाली है और 60 रुपये की वेज थाली, और ये स्टार्टर जो कि फ्री में। मोदी खुद की थाली छोड़ के उधर किसी की थाली झड़ रहा है वहाँ पे, देखो ना खुद की थाली छोड़ के उधर दूसरे के थाली में नजर लगा रहा है। ये कुछ नई डिश है वेज गार्लिक करके,
राइस है और कुछ वेज गार्लिक का हल्का में, ये ट्रिपल राइस वेज फ्राइड राइस, हर तरीके का आइटम है यहाँ पे खाने के लिए। तो आप कुछ भी ऑर्डर कर सकते हो, फ्रेंकी पिज्ज़ा बर्गर हर एक चीज़ अवेलेबल है यहाँ पे। ये शॉप है यहाँ पे, यहाँ से जस्ट आओगे बाहर तो यहीं पे आपको दिख जाएगा ये शॉप। मोदी को ना दूसरे के इसमें कैसा नज़र मारते थे ना, दूसरे के थाली ऐसा ही है वो बचपन से आपा जी मैं देख रहा हूँ। सॉरी गाइस, मोदी दूसरे के थाली में नहीं कुछ और दिख रहा है, मैं आपको दिखा दो थोड़ी देर बाद। वहाँ पे पब्लिक खड़ी है ना, उधर झड़ेला और काका फीट कर रहा है वो हराम या ये वो थोड़ा देख रहा है, उधर ही देख रहा है अभी। सिग्नल रुकिए, अभी सिग्नल क्रॉस करते जा रहे हैं कोलाबा। कोलाबा में अच्छे खासे कपड़े मिलते हैं सस्ते में, अभी वहीं पे जा रहे हैं। क्रॉस करें, क्रॉस करने अभी बहुत ज़्यादा टेंशन है। एक बच्चा है हमारे साथ में, वो झाड़ के इधर छुपा है जो आई थिंक यहाँ पे हाई कोर्ट है कोलाबा पे। यहाँ पे बिल्डिंग ऊपर से नज़र ऊपर ही आ रही है, नीचे कुछ है ही नहीं। और यह पूरा बुक शॉप है यहाँ पे, जिसे भी रीडिंग का शौक है, बुक्स का शौक है, आके यहाँ पे आके देख सकते हो। ऐसा एनसाइक्लोपीडिया मिलेगा और क्या। टैलेंट है, टैलेंट हर तरीके के बुक्स मिलेंगे यहाँ पे आपको। ये शॉप मैनेजर है, बुक्स के स्टॉक है पूरे के पूरे। ये महाराज जी की बुक, छत्रपति शिवाजी महाराज की भी बुक है यहाँ पे। लेजेंड सिद्धू मूसेवाला, ये कौन से भगवान, हमारे एपीजे अब्दुल कलाम, इनकी भी बुक है यहाँ पे। चाणक्य, मतलब हर तरीके के बुक्स मिलेंगे आपको यहाँ पे आएंगे तो। रिच डैड, हर उस इंसान की किताब मिलेगी यहाँ पे, जहाँ पे जिसने अपने लाइफ में स्ट्रगल किया। क्या नाम है उनका, भगत सिंह जी, इनकी भी बुक मिलेगी। हर एक जिन्होंने इतिहास बनाया उनके हर एक किताबें यहाँ पे मिल जाएगी आपको। ये सुविधा एक अच्छा किया है पीने के पानी के लिए, हर जगह पे है, काफ़ी ज़्यादा जगह पे हम लोगों ने देखे पानी का सुविधा है। पहले इतना नहीं होता था, अभी काफ़ी ज़्यादा जगह पे ग्लास भी अरेंजमेंट है यहाँ पे। यहाँ पे एक दान पेटी है, इसमें अगर आपको दान कुछ करना है तो आप इसमें डाल सकते हो। दादा भाई नरोजी, इनका स्टैचू है यहाँ पे, कुछ लिखा है। यहाँ पे भी है, एंड यहाँ पे जो लिखा है वो आपको मैं बताता हूँ। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लिखा है, मदर्स रियली बिल्ड नेशंस। अगर आप वीटी आते हो कोलाबा साइड या वीटी स्टेशन पे भी घूमोगे तो आपको काफ़ी सारी चीज़ें, काफ़ी सारी जगह मिलेगी आपको देखने के लिए। स्टैचू है, चलो भाई, ये सिग्नल पे बहुत टाइम बाद फिर ये सिग्नल लगा, हम लोग कब तक क्रॉस कर लेते। एक भाई वहाँ पे फोटो निकाल रहे, उसको बोला मैं फोटो निकाल के, तो शायद वो डर गया, शायद मेरे को समझा चोर हो रहे, शक्ल से तो लगते ही नहीं है इतना, पर पता नहीं कैसे। अभी फिलहाल तो यहाँ पे धूप है, इसके लिए घूमने में मज़ा नहीं। अगर शाम हो जाएगी तो काफ़ी मस्त जगह हो जाएगी ये, धूप काफ़ी ज़्यादा है।
देख सकते हो यहाँ पे। ये वो भाई है जो जिनको लगा कि मैं फ़ोटो निकाल रहा हूँ बोला, पर फ़ोटो निकाला नहीं इन्होंने। इसके अपोजिट में यहाँ पे वो शॉप है सब सारे के सारे, जहाँ पे आपको रिजनेबल रेट में अच्छे कपड़े मिलेंगे कुलाबा में। इतनी धूप में इतनी अच्छी छाव मिली है, नाम खराब कर रहा है। सबके सब बैठे हैं मजे कर रहे हैं, एप्पल लेके चल रहे हैं, बहुत मजा आ रही है। एप्पल एप्पल लेके चल रहे हैं, एप्पल किसके पास है? किधर एप्पल? अभी इतना पतला कैसे रहा है एप्पल? क्या ये काफी मस्त ठंडा लग रहा है ये झाड़ के वैसे पूरी जगह है। यहाँ पे काफी प्यारे डॉग्स है, मेल एंड फीमेल दोनों। काटते नहीं, काटेंगे नहीं ना? नहीं, ओके फ्रेंडली, फ्रेंडली है, काफ़ी ज़्यादा फ्रेंडली है, बहुत प्यारे दोनों भाई है, एक मेल है और एक फीमेल है। चार्ली दूर रे, फ्रेंडली फ्रेंडली, ये फीमेल है, ये फीमेल है एंड वो वाला मेल है। इनकी आंखें भी नहीं दिखी, वो बाल है ना इतने ज़्यादा छे 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 गंदा। कम कम डॉक्टर साहब, यहाँ पे क्यों आए? हम यहाँ पे आए सर्वे करने के लिए। किस चीज का सर्वे करने के लिए आए आप? ये तो मुझे नहीं मालूम, अगर कोई किडनी देना चाहता है तो उसको हम 1.5 लाख का आईफोन देंगे। अच्छा, आप किडनी वगैरह आईफोन देंगे? तो जो इसमें राजी होगा तो हम इधर बैठे, हमारे जो आधे 3-4 पेशेंट लोग बैठे है यहाँ पे झाड़ के नीचे। तो ये सब आपके पेशेंट है? ये पेशेंट है, इनको आईफोन का बहुत क्रेज है तो आईफोन ही चाहिए। आईफोन चाहिए तो उनका आपने सब जांच वाच कर लिया? हाँ, सब ओके एकदम हो गया, सबने किसी एक ने किडनी दे चुका है। तो उसके बदले कौन सा फोन मिला उनको? उनको अभी 13 Pro Max मिल चुका है, एक को 15 Pro Max ही है। तभी हम ढूंढ रहे कोई ऐसा पेशेंट है जो इनको बहुत चाहिए रहेगा तो दिला देंगे उनको भी। अच्छा, तो अभी आपने अब तक कितने ऑपरेशन किए रहेंगे ये किडनी के? अभी सर हमने तो अभी 2 कर चुके हैं। हाँ। और हमें 3 का टारगेट है, अगर इसमें कोई कर सके तो हमारी मदद करे। ओके, तो डॉक्टर साहब यहाँ पे आए हैं लोगों का ट्रीटमेंट करने के लिए, किडनी चेक करने के लिए, उनके अगेंस्ट में उनको आईफोन मिल सकता है या नहीं ये सब चेक करके वो बता देंगे। कुलाबा के इधर यहाँ पे शॉपिंग के लिए आप आ सकते हो, काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे आपको मिलेगी सस्ते में, बच्चों के खिलौने से लेके हर एक चीज़। यहाँ पे लाइट्स भी है, ये है क्या और जो एडेप्टर में कनेक्ट होके लाइट जलती है? पावर बैंक में यूएसबी लाइट नहीं है? यूएसबी लाइट हमको चाहिए थी कैंपिंग के लिए, फिलहाल तो अवेलेबल नहीं है। बाकी आपको अलग अलग चीज़ें चाहिए तो आपको यहाँ पे भी मिलेगी, अलग अलग ऊपर भी देखना। यहाँ पे पैंट है, ले रहे अच्छा ये यही है क्या वो? हाँ, खास करके आपसे मिलने के लिए आए भाई हम लोग। अपने भाई का नाम राशिद है, राशिद भाई, इनका नाम राशिद भाई है। इधर आओगे तो इनका जीन्स वीन्स सब चीज़ अवेलेबल होगी, आप ले सकते हो आके। अपने मामू, और ये मामू अपने ज़्यादा बड़ी बहुत। तो मिलते हैं थोड़े देर बाद, तब तक चॉइस कर लेते हैं कुछ पैंट अगर मैं अच्छी लगी तो। देखते ही देखते काफ़ी ज़्यादा भीड़ हो गई यहाँ पे, पता बैठने की हाइट क्योंकि वो कटेगी नहीं नीचे से। हाँ नहीं, वो बहुत बड़ी हो जाएगी, चूड़ीदार बन जाएगा फिर, वो इतना हाइट हो जाएगा। देखते देखते कितनी सारी भीड़ हो गई, देखो 200, 250, 300, 200, 250, 300, 400 ज़्यादा से ज़्यादा। यहाँ पे काफ़ी अच्छे पेन है, थैंक यू, और परफ्यूम तो काफ़ी ज़्यादा है, बूढ़ा चाहिए, और काफ़ी महंगे यहाँ पे परफ्यूम है। और इसके सामने है ये शॉप, यहाँ पे फोन्स के कवर काफ़ी सारे, एक्सेसरीज भी बहुत सारी मिलेगी आपको, हेडफोन, ब्लूटूथ, हर एक चीज़ के कवर से यहाँ पे ये वो ले रहा है ये वाला एक्सचेंज वाला। तो फाइनली ये कवर ले लिया हम लोग ने, अच्छा लग रहा है। एनीमे नारुतो? नारुतो नहीं है, मतलब क्या पता नहीं, कोई एनीमे ही है। गोजो रहेगा भाई, गोजो।
रख लो भाई। काफ़ी अच्छे यहाँ पे किचन है अगर आपको लेने हो तो। यहाँ पे शोपीस में कुछ बता सही है रे। इधर मार, इधर मार। ये देख साहब, ए लेना है क्या नहीं इसको, कुछ लेना है। हर चीज लाइट है, सब कुछ है यहाँ पे। पचास ना भाई, चलो कोई बात नहीं। मनोज भाई स्कूटी में, अगर आप बार्गेनिंग करना नहीं सीखे तो आप बर्बाद हो जाओगे मुंबई में। अगर शॉपिंग करने आए तो साथ डील कर फटाफट भाई। ए, पे फॉलो कर तो खड्डा कराने के में। यहाँ पे उसके आगे आओगे तो यहाँ पे रिंग्स मिलेगी आपको, हाथ के बैंड। ये एक साथ ने लिया और ये मैंने लिया हूँ, ये वाली। ये आर्ट है, आपको यहाँ पे आपकी खुद की तस्वीरें बना के मिल जाएगी अगर आपको चाहिए तो। यहाँ पे लाइव तस्वीरें आपको बना के मिल जाएगी। ये पूरा का पूरा आर्ट है भाई। नेम ऑन राइस, अगर चावल के ऊपर आपको आपका नाम लिखा के लेना है तो आपको मिल जाएगा सिर्फ 50 रुपए में। देखो तो कितने बजे तक फ्री होती है इसमें, जैसा नाम लिखा है ना। अच्छा, तो हमने फाइनली चावल तो खरीद लिया, हम चावल पे नाम नहीं लिख पाएंगे, वो आर्टिस्ट लोग लिख सकते हैं। बाय बाय। और किसी को गर्लफ्रेंड अभी जाएंगे, इसके बाद मरीन, मरीन पे जाने का, फिर घर पे जाने का प्लान करेंगे। तो ऐसे ही घूम रहे तब तक, तो पता नहीं अभी सनसेट मिलेगा भी नहीं मिलेगा हम लोग को। अभी जा रहे तो है, अगर मिला तो अच्छी बात है, नहीं मिला तो भी अच्छी बात है। ये लल्लन की वजह से पूरी दिन और पूरी रात की वाट लग गई, कुछ मिला नहीं हम लोग को। सौ का सेल है, 100 100 100 ना भाई। 100 में आके चाहिए वॉच में, उसके आगे फिर 150 की वॉच थी, स्मार्ट वॉच जो भी वॉच चाहिए वो। ये इंडियन नेवी की जो बोट होती है, नाव होती है फाइटर, उस तरह के है। उसके ऊपर फाइटर जेट जो आते हैं क्या हमारे पास। मेकअप हो रहा है अभी यहाँ पे, मेकअप। काफी टाइम घूमने के बाद ये शॉप मिली है कपड़े की, जहाँ पे शर्ट्स, टी शर्ट, पैंट, ट्रैक, ट्राउजर सब कुछ अवेलेबल है। साथ यहाँ से ही लेता है, इसलिए साथ में लेके आया अभी। तो अभी हम पहुँचे हैं मुंबई के उस जगह पे जिसे मुंबई का ब्लैक डे माना जाता है, जो कि है 26/11 अटैक जो मुंबई में हुआ था, उसी के पास में है। तो आपको बताता हूँ, वो फायरिंग हुई थी यहाँ पे, तो उसके कुछ निशान है आपको दिखा दूंगा। तो आगे वीडियो में बने रहेगा, आपको पता चल जाएगा 26/11 का अटैक क्या हुआ था, क्या। ये वो जगह है जहाँ पे 26/11 अटैक में फायरिंग हुई थी, एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे। और ये बनी है 1871 में, 26/11 अटैक में जब हुआ था फायरिंग, उसके बाद से काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो गया है, काफ़ी ज़्यादा चेकिंग कर रहे हैं अभी फ़िलहाल। अंदर ऐसा जाने नहीं देते किसी को भी, क्योंकि बोल नहीं सकते कभी क्या हो सकता है। मुंबई का सबसे ब्लैक डे कहा जाता है उसे 26/11, जो कि कुछ आतंकवादियों ने पूरी मुंबई को तहस नहस कर दिया था, काफ़ी लोगों की जान चली गई थी उसमें। हम ये है वो मुंबई का ताज होटल, जहाँ पे सबसे पहले फायरिंग हुई थी, जहाँ पे लोग रुके थे।
तो अभी मरीन जाने के लिए हम लोग ने टैक्सी की है, चाचा मिले पहचान के, उन्होंने डिस्काउंट में दिया हमको, 30 रुपए सीट है यहाँ से मरीन तक का। चिल्लाओ मत, सबके सब भरे ऐसे वैसे, कैसे कैसे भरे पता नहीं, कैसे नहीं अच्छे से बैठे, अच्छे से बैठे ना, सबके सब बैठे। अभी जा रहे हैं मरीन, काफी टाइम हो गया। अंकल को बताओ, अंकल को बताए, अंकल को, अंकल आपका नाम क्या है? अरे सामने वाले अंकल। अच्छा नहीं रे, सामने वाले अंकल नहीं, यहाँ पे भी हमारे अंकल बोलो बेस्ट ऑफ फूड मुंबई स्टार्स को सब्सक्राइब करो। तो अभी जा रहे हैं हम लोग मरीन, सुबह से घूम रहे हैं, काफी ज्यादा टाइम हो गया, सनसेट भी मिस कर दी हम लोग ने ये लल्लन की वजह से। वो भी इधर चलो उधर चलो इधर चलो उधर चलो के चक्कर में किधर भी नहीं जा पाए। तो अभी जा रहे हैं मरीन, मरीन पे देखते थोड़ा आराम करते और उसके बाद चलते घर पे आराम से। फाइनली पहुंच चुके हैं मरीन लाइन पे। नाइट का व्यू इसका कुछ काफी ज्यादा अलग ही है यार, आखिरी व्यू है मुंबई का, इससे आखिरी तो कुछ नहीं हो सकता। अल्लाह कसम मैंने नहीं मारा, यहाँ पे पीछे बकचोदी कर रहे हैं, इसने मार रहा उसने मार। मोदी को मरीन जो रात में इतना प्यारा लगता है ना, दिन में जितनी मजा नहीं है मरीन पे घूमना उतनी रात में, रात में इसकी खूबसूरती कुछ अलग हो जाती है। ऐसे ही नहीं कहते इसको, मुंबई मेरी जान। क्या बोलते हैं, लड़का और लड़की के बीच में प्यार होता है? नहीं, हाँ लड़का और लड़के में नहीं होता है? नहीं। क्यों, कौन कहता है? देखो पीछे देखो, दोनों प्यार करने वाले कैसे प्यार की दो बातें कर रहे, देखो 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 देखो, कोई तकलीफ नहीं कुछ नहीं, एकदम प्यार से बातें कर रहे दोनों, देखो देखो देखो, भीगे होंठ तेरे, दो लड़कों के बीच प्यार देख रहे हो कितना। गहरा प्यार तो इन दोनों के बीच में भी है। तो प्यार करने वाले मरीन ड्राइव पे खो गए, मरीन लाइन पे सर्विस चालू हो गई है।